समाचार के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश है देश दुनिया की 5 बड़ी खबरें। बुलेटिन के आखिरी भाग में सुनिए रुयलगंज समाचार। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 14,378 पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से 1,992 मरीजों को इलाज के बाद डिस्चार्ज किया जा चुका है। मरने वालों की संख्या 480 पहुँच गई है। भारतीय नौसेना के 21 जवानों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। मुंबई के नौसेना परिसर में इनका परीक्षण किया गया था। इनमें भारतीय नौसैनिक जहाज आंग्रे के 20 नाविक शामिल हैं। 7 अप्रैल को एक नाविक की कोरोना जांच पॉजिटिव आई थी। ये सभी उसी संपर्क में आए थे। यूपी में जल्द ही कोरोना की जांच रैपिड किट से शुरू हो जाएगी। इसके नतीजे कुछ मिनटों में ही आ जाएंगे। अभी ये जांच संदिग्ध के थूक यानी लार से की जाती है। इसके नतीजे 7 से 8 घंटे में मिलते हैं। रैपिड किट से जांच संदिग्ध के खून से होगी। बिहार में बाहर फंसे लोगों पर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव और जदयू के पूर्व उपाध्यक्ष प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इस मुद्दे पर आलोचना की है। दुनिया भर में कोरोना वायरस से कुल 22,36,118 लोग संक्रमित हैं। इससे मरने वालों की संख्या बढ़कर 1,53,458 हो गई है। विश्व भर में अब तक 5,67,635 लोग इस संक्रमण से पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। और अब पेश है रुयलगंज समाचार। खबर बरेली से। रुयलगंज यूनिवर्सिटी की जून तक परीक्षा होने की उम्मीद है। परीक्षाओं के लिए 325 सेंटर बनाए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए ही परीक्षा कराई जाएगी। इस वजह से सेंटर बढ़ाए भी जा सकते हैं। जुलाई में नतीजे आने की उम्मीद है। खबर मुरादाबाद से। ठाकुर द्वारा कोतवाली क्षेत्र के गांव मीरपुर मोहनपुर में महिला की हत्या खुद उसके पति ने की थी। कत्ल में पति का ममेरा भाई भी शामिल था। पुलिस ने पति अरशद और उसके ममेरे भाई इरफान को गिरफ्तार कर लिया है। अरशद ने पत्नी के चाल चलन पर शक होने पर उसकी हत्या कर दी थी। बीते दिनों महिला का शव दुपट्टे से लिपटा हुआ प्लास्टिक के कट्टे में नदी किनारे पड़ा मिला था। खबर रामपुर से। लॉकडाउन की वजह से रामपुर डिपो की बसों के पहिए जाम हो गए हैं। इसकी वजह से डिपो को हर दिन 8 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। 27 दिन में डिपो को 2,16,00,000 रुपए का नुकसान हो चुका है। खबर पीलीभीत से। पूरनपुर में अवैध रूप से संचालित तेल गोदाम पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने छापेमारी की। यहां से कई लाख रुपए का सरसों का तेल बरामद हुआ है। जिला अभिहित अधिकारी शशांक त्रिपाठी ने बताया कि कस्बे के अमरीश किराना स्टोर से 135 किलो वनस्पति घी और 22 लीटर सरसों का एक्सपायर तिथि का तेल भी बरामद हुआ है। खबर शाहजहांपुर से। उत्तर रेलवे, भारत स्काउट गाइड, कमल स्काउट ग्रुप और शहीद अशफाक उल्ला खां स्काउट ग्रुप शाहजहांपुर जरूरतमंदों को फूड पैकेज उपलब्ध करा रहा है। इसके साथ ही कच्चा राशन और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बिस्किट, नमकीन के पैकेट और चाय उपलब्ध कराई जा रही है। वायरस की रोकथाम के लिए तमाम जगहों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। आखिर में बरेली के मौसम का हाल। बरेली में शनिवार को 34 डिग्री सेल्सियस तापमान रहा। कल 35 डिग्री तापमान रहने की उम्मीद है। आसमान पर बादल छाए रहेंगे। इन खबरों को डिटेल में जानने के लिए लॉगिन कीजिए हमारी वेबसाइट www.amritvichar.com। नमस्कार।